बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये सुजुकी एक्सेस 125 देख सकते हैं दोस्तों, ये ओल्ड मॉडल है, एकदम भी ओल्ड नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है, और दोस्तों ले भी रही है तब भी दोस्तों ये पिकअप नहीं ले रही। तो दोस्तों क्या दिक्कत हो रही है देखते हैं इसे फटाफट से ओपन करके। ये दोस्तों बोल्ट निकालना है और यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, ये एक स्क्रू निकालना है, ये जो दोस्तों वो बाहर आ जाएगा। फटाफट से इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रू मैंने निकाल लिया है बाहर, अभी इसे निकाल लेते। ये देखिए दोस्तों ये दो है, अभी इसे निकाल लेते बाहर। इसे दोस्तों ऊपर उठाना है, ये आ जाएगा, ये देखते हैं। और अभी दोस्तों ये स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब दोस्तों हमारा बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्ट हो रही है। एक बार ट्राई करके देखते हैं, किक मारो। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब दोस्तों जहाँ तक हमारा डाउट है इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत है दोस्तों कि इसके कार्बोरेटर में प्रॉब्लम लग रहा है। फिर भी एक बार हम पेट्रोल वगैरह चेक कर लेते किस तरह से आ रहा है, उसे निकालो। कार्बोरेटर हम ओपन कर ही रहे लेकिन एक बार किक मार के चेक कर लेते हैं यहाँ से पेट्रोल आ रहा है या नहीं। किक मारो, तो दोस्तों देख सकते हो पेट्रोल आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये पेट्रोल की कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें कार्बोरेटर को ओपन करना ही पड़ेगा। फटाफट से कार्बोरेटर को रिमूव कर लेते हैं, दो बोल्ट्स आगे के 8mm के और पीछे का स्क्रू, फटाफट से निकाल। कार्बोरेटर को हमने बाहर निकाल लिया है और अभी दोस्तों देख सकते हैं कार्बोरेटर की क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट है। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डस्ट था इसमें, आप ये देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो दोस्तों सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से साफ वगैरह क्लीन वगैरह करके लगा लेते, उसके बाद देखते बाइक स्कूटी हमारा जो स्कूटर है एक्सेस है वो देखते है क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली जो है वो दोस्तों इसका कार्बोरेटर रेडी हो चुका है, सारा कुछ हमने लगा दिया है देख सकते। तो अभी दोस्तों करते हैं इसे स्टार्ट, एक ही ऑन स्टार्ट में किक मारो। तो दोस्तों देख सकते फाइनली जो है वो स्कूटर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों अभी जो इसका एक प्रॉब्लम बाकी है जो कि दोस्तों इसका टायर है वो दोस्तों आउटसाइड घूम रहा है। तो दोस्तों इसके गेयरबॉक्स की बेयरिंग जा चुकी है, तो दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो गेयरबॉक्स के बेयरिंग के ऊपर आएगा, उसे कैसे रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपके साथ इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।